जय हिंद बच्चों। तो आज एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि जेई मेन 2021 से ऑन द टॉपिक लॉज ऑफ मोशन। द क्वेश्चन इज ए बॉक्सेस द बॉक्सेस ऑफ मास 2 kg 8 kg आर कनेक्टेड बाय मासलेस स्ट्रिंग पासिंग ओवर स्मूथ पुली। तो ये सिस्टम है। कैलकुलेट टाइम टेकन बाय बॉक्स ऑफ मास 8 kg टू स्ट्राइक द ग्राउंड, कि कितनी देर में ये जो मास है नीचे पहुंच जाएगा जमीन पे। तो इसके लिए हमको पहले इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन निकालना होगा, कितना एक्सेलरेशन है ना। सो पहले एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करते हैं, देन वी विल सॉल्व दिस। तो लेट्स से कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन जो है वो ऊपर की तरफ है, इसको बोल देते हैं A1, इसको बोल देते हैं A2, है ना। तो यहाँ पे टेंशन अगर मैं T मान लूँ तो यहाँ पे टेंशन भी T होगी, यहाँ पे T होगी, बिकॉज ये सेम स्ट्रिंग है, सेम स्ट्रिंग में टेंशन सेम होती है। तो यहाँ पे सिमिलरली 2T हो जाएगी। नाउ हम मान लेते हैं कि भाई डिस्प्लेसमेंट जो है इस ब्लॉक का वो नीचे की तरफ है X2 और इसका ऊपर की तरफ X1। नाउ अप्लाई करते हैं हम वर्चुअल वर्कडन मेथड। दैट सेज कि वर्कडन बाय टेंशन जो है वो जीरो होगा सिस्टम पे। तो यहाँ पे अगर निकालने वर्कडन टेंशन का इज इक्वल टू T x1 cos 0, यहाँ पे अगर निकालेंगे तो +2T x2 cos π, बिकॉज वर्कडन होता है Fs cos θ। तो फोर्स लग रही है ऊपर और जा रहा है नीचे, तो Fs cos θ इक्वल टू 0। तो आपको ये मेथड क्लियर होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे हम रिलेशन निकाल रहे हैं। सो इससे निकल के आएगा T x1 -2T x2 इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि T x1 इज इक्वल टू 2T x2। टी से टी कट गया, X1 इक्वल टू 2X2। इसको आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे एक बार, तो ये dx1 / dt बन जाएगा और ये 2dx2 / dt बन जाएगा। सो यू विल गेट v1 इक्वल टू 2v2। सिमिलरली अगर दोबारा करेंगे डिफरेंशिएट तो यू विल गेट एक्सलेशन, तो a1 इक्वल टू 2a2। तो ये हमने सिर्फ निकाला रिलेशन इन दोनों के बीच में बाय वर्चुअल वर्क डन मेथड Fs cos θ से। अब ड्रॉ करते हैं इसका FBD। तो इस पे लग रही है टेंशन, नीचे इसका वेट है 20 और जा रहा है ऊपर की तरफ। आई विल राइट T - 20 इज इक्वल टू 2a1, है ना। दैट मीन्स इक्वल टू A1 पुट कर लेता हूं मैं 2a2। तो T - 20 इक्वल टू 4a2, ये पहली इक्वेशन हो गई। अब करते हैं इस ब्लॉक के लिए जिसका मास 80 है। तो ये जा रहा है नीचे की तरफ, तो इसके लिए बनेगी AT - 2T इज इक्वल टू 8a2, 40 - T इक्वल टू 4a2। दोनों कर लेते हैं ऐड, क्वेश्चन 1 + 2 कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, ये T कट जाएगा, तो खाली बचेगा ये 20 इज इक्वल टू 8a2, a2 इक्वल टू 2.5। सो 2.5 इक्वेशन से ये जो ब्लॉक है नीचे गिरता होगा। अब हमको इसका इक्वेशन पता है a2, तो हम टाइम निकाल सकते हैं फाइव इक्वेशन s = ut + ½ at2, बिकॉज इसका u 0 है। स्टार्ट किया s से, डिस्टेंस ट्रेवल करना है इसको 20 सेंटीमीटर में, दैट मीन्स 0.2 = ½। a इसका 2.5 है (t²). सो t² = 0.4/2.5, दैट इज इक्वल टू 2/4/25। तो ये जो t² निकल के आया, अगर मैं देखूं तो t निकल के आएगा √4/25, दैट इज 2/5 = 0.4 सेकेंड। तो 0.4 सेकेंड में ये ब्लॉक जो है वो नीचे गिर गया होगा। तो ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में d हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वर्चुअल वर्क डन से पहले टेंशन निकाली, रिलेशन निकाला इक्वेशन में, देन इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेशन निकाला, देन यूज्ड काइनेमेटिक्स टू फाइंड टाइम। सो आई बिलीव कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अगर कोई टॉपिक क्लियर नहीं है कि कैसे हम रिलेशन निकालते हैं, तो आप मेरे चैनल पे एक वीडियो है जिसमें मैंने समझा रखा है वर्चुअल वर्कडन से कैसे हम रिलेशन निकालते हैं वेलोसिटी में, इक्वेशन में, उसको आप देख सकते हैं। डेफिनेटली आपको क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।